आपको शायद वो तस्वीरें याद होंगी जब गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत बात करते करते रोने लगे थे। 27 और 28 जनवरी के बीच जब लग रहा था कि किसान आंदोलन अब खत्म होने की तरफ है, राकेश टिकैत के रोने के इस वीडियो ने आंदोलन में जान फूंकी थी। राकेश टिकैत ने वीडियो में आरोप लगाए थे कि बीजेपी के दो विधायक अपने समर्थकों के साथ किसानों के आंदोलन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इनमें एक नाम लोनी गाजियाबाद से बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर का भी था। अब नंद किशोर गुर्जर ने राकेश टिकैत पर निशाना साधा है। उन्होंने टिकैत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी सांसद नंद किशोर गुर्जर पहले भी किसान आंदोलन को लेकर भड़काऊ बयान दे चुके हैं। वो किसानों को खालिस्तानी बोलते हुए गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिख चुके हैं। बुधवार को फिर से नंद किशोर गुर्जर ने मीडिया के सामने राकेश टिकैत को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा, भारतीय किसान यूनियन के मुखिया से ज्यादा बड़ा किसान तो मैं हूँ। राकेश टिकैत के पास तो मुझसे आधी ही खेती की जमीन है। मैं टिकैत के परिवार का सम्मान करता हूं, लेकिन राकेश टिकैत के बारे में लोग कहते हैं कि वो 2000 रुपए के लिए कहीं भी चले जाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप विरोध प्रदर्शन को किस दिशा में ले जा रहे हैं? कल आप कहेंगे कि आतंकवादी आपको मारने के लिए आए हैं, बनावटी दंगा फैला रहे हैं। ये सही बात नहीं है। टिकैत को अपनी हरकत पर माफी मांगनी चाहिए, इतिहास उन्हें याद रखेगा। आपको बता दें कि फिलहाल किसान कानूनों के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन का नेतृत्व पश्चिम यूपी के किसान नेता राकेश टिकैत ही कर रहे हैं। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर से जब आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करने और अपने समर्थकों को आंदोलन के खिलाफ भड़काने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस आरोप से पूरी तरह से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो तो प्रोटेस्ट वाली जगह पर गए ही नहीं, उन्होंने उल्टे मीडिया से सवाल दाग दिया। वो बोले, कौन कहता है कि ये किसान आंदोलन है? आप जाइए और देखिए, एक राजनीतिक दल के 4 लोग वहां पर बैठे हैं। क्या ये किसानों का आंदोलन है? आज वहां पर सिर्फ कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, वो किसान भी हो सकते हैं और मजदूर भी। फिलहाल राकेश टिकैत दिल्ली के बॉर्डर पर जमे किसानों के बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं। वो यूपी से लेकर हरियाणा तक किसानों को एकजुट करने में लगे हैं। बुधवार को हरियाणा के जींद में हुई एक बड़ी महापंचायत में उन्होंने हिस्सा लिया था। इधर दिल्ली पुलिस ने भी किसी उपद्रव की आशंका में सारे इंतजाम कर लिए हैं। दिल्ली के सिंघू, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर के आसपास कंक्रीट लोहे के बैरिकेड के साथ कटीले तारों को लगाया गया है। जानकार बताते हैं कि दिल्ली की सीमा पर ऐसे इंतजाम पहले शायद ही कभी देखने को मिले हो। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की। लल्लन टॉप ऐप जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।